हैं धार्मिक पुस्तकें, समाज सेवी साधु सरन साही सहित कई गणमान्य को भेंट की पुस्तक। अब तक सैकड़ों लोगों को बांट चुके हैं निःशुल्क। DN20 डेस्क। इस दौर में जब आधुनिकता सिर चढ़कर बोल रही है और कई लोग ऑनलाइन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर आर्यन मिश्र की कहानी और प्रासंगिक हो जाती है। भगवान के प्रति इनकी आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये धार्मिक पुस्तकें ही लिखते हैं। धर्म से जुड़ी इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये मंदिर मंदिर जाकर भगवान को पुस्तकें चढ़ाते हैं, लोगों को निःशुल्क बांटते हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला स्थित सुदामा आवास के समीप बुधवार को देवाधिदेव महादेव बाबा के रुद्राभिषेक में माता सरस्वती की पुस्तक बाबा महादेव को समर्पित किया। इतना ही नहीं, यहाँ उपस्थित समाज सेवी साधु सरन सहित कई गणमान्य लोगों को भी पुस्तकें भेंट की। धर्म को यदि नजदीक से जानना हो तो इनकी पुस्तकें सहायक का काम करेंगी। बता दें कि प्राध्यापक जैसे सम्मानित पद से सेवानिवृत्त होने के बाद ये धार्मिक किताबों के लेखक बन गए। खुद को सुदामा के रूप में मान किताबें लिखते और पहले मंदिर में भगवान पर अर्पित करते, फिर लोगों में बांटते। सौम्य स्वभाव के चलते ये सबके प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। इनकी लिखी पुस्तकें माता सरस्वती, सुदामा श्री कृष्ण और समर्पण सबको भाती है। 2 माह पहले इन्होंने बाबा गरीबनाथ के दरबार में अपनी शाह प्रकाशित 2 पुस्तकें अर्पित की थी, संकट मोचन हनुमान और सुदामा श्री कृष्ण प्रेम, लेखक की भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। नवीन पुस्तकों में श्री मिश्र ने हनुमान और कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सारगर्भित वर्णन किया है। तस्वीरों का सुंदर समायोजन भी आशीर्वाद से वैसी स्थिति में गुरुदेव को इनकी मानता और मैं इस बात से मत देता हूँ, जब मैं जिस दिन मैं यजमान बना था, मैं गुरुदेव के अपनी पुस्तक अतीत के घरों के जो मेरी ऑटोबायोग्राफी थी, उस ऑटोबायोग्राफी को मैं गुरुदेव को दिया। गुरुदेव के देने के बाद मैं भगवान को प्रणाम करके मैं नीचे चलाया। जब शाम में जब मैं आरती के लिए, भगवान की आरती के लिए जब मैं चढ़ा मंच पर, तो मैं देखता हूं कि मेरी पुस्तक अतीत के झरोखे भागवत के नजदीक रखी हुई है। मैं उसी समय समझ गया कि महान संत है, महान पुरुषार्थ और के व्यक्ति है, महान महान व्यक्ति है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरी पुस्तक मैंने आपको दिया और आपने भगवान की नजदीक रख दिया। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।